जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, मुझे उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं निकला हूँ थोड़ा सफ़र के ऊपर शौक़ के लिए, तो मैंने सोचा है कि ये सफ़र मैं आप दोस्तों के साथ भी जो है ना इंजॉय करें और एक व्लॉग टाइप बना लें। कि आज जो हमारा मेन जो है ना सफ़र है ये रेड ब्लड की तरफ ही है, यानी कि अमरोहे परिंदे देखने जा रहे हैं हम। कि एक शौकीन है इधर हमारे मुल्तान में ही और काफ़ी अच्छे शौकीन है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा शौक़ भी उन्होंने संभाला हुआ है। लड़ाई वगैरह का उनको शौक़ नहीं है, सिर्फ उन्होंने समझ लें कि अच्छे परिंदे खालस बर्ड जिसे हम कहते हैं वो रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैंने कोशिश है कि आप दोस्तों के साथ भी शौक़ करवाएं। अगर वीडियो के अंदर दिखा सका तो ठीक है, अगर वीडियो के अंदर मैं नहीं दिखा सका उनका शौक़ वगैरह तो फिर मेरी यही कोशिश होगी कि अपने फेसबुक पेज के ऊपर आप दोस्तों के साथ जो है ना वो शौक़ जो है ना मैं शेयर करूं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि इधर से ही वीडियो बना सकूं, क्योंकि पता है आपको पॉलिसीज वगैरह होती हैं उसकी वजह से हर जो है ना वीडियो के अंदर आप शौक़ दिखाना जो है ना तकरीबन ही बंद हो चुका है। अभी हम अपने शहर कोटदू से निकले हैं और पठान होटल अभी हमने क्रॉस किया है, पठान होटल तो रास्ते के ऊपर ही है। तो आप दोस्तों के साथ भी इंशाल्लाह वक्फे वक्फे से ऑनलाइन होंगे। अभी हेड मोहम्मद अला आने वाला है, तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र रह गया है। कितना रह गया? 7 किलोमीटर, तकरीबन 7 किलोमीटर का सफ़र रह गया। अभी हम बिल्कुल अभी निकले हैं क्योंकि उधर से पठान होटल से, तो इंशाल्लाह जैसे ही हम जो है ना हेड मोहम्मद अला के ऊपर पहुँचेंगे फिर आप दोस्तों के साथ जुड़ेंगे। जी दोस्तों, अब हम हेड मोहम्मद अला पे तकरीबन पहुंच चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर रुककर आपको जो है ना हेड मोहम्मद अला भी दिखा सकूं। ये बेसिकली नहर है, साथ में आप देखें ये टीपी लिंक कैनाल है, इसके ऊपर ही बना हुआ है। यानी कि आप शायद सोच रहे हो कि हेड मोहम्मद अला कोई दरिया वगैरह के ऊपर बना हुआ है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी नहर निकल रही है दरिया सिंध से, टीपी लिंक कैनाल उसके ऊपर ही बना हुआ है। ये हम देखें अभी पहुंच चुके हैं हेड मोहम्मद अला के ऊपर, तो टाइम ज़रा थोड़ा ही शॉर्ट ही है, तो अभी बस इसी के ऊपर ही आप ज़रा गुजारा करें। ये हम ये देखें ये हेड मोहम्मद अला आपको इधर नज़र आएगा थोड़ा सा व्यू। ये देखें बाकी आपको मैं इंशाल्लाह चनाब रिवर के ऊपर पहुँच कर जो है ना वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो दिखा सकूँ। बाकी मेरे साथ जो साथी वगैरह हैं ये देखें, ये मेरे वाले साहब हैं राय मोहम्मद नवाज साहब, ये भी साथ जा रहे हैं शौक़ के लिए। और पीछे आपको ब्लू जो है ना ड्रेस में नज़र आ रहे हैं ये राय वकास हैं, डॉक्टर साहब हैं और माशाल्लाह मुर्गों का भी शौक़ है। और ये देखें ये मेरे बड़े भाई हैं राय सालम उमर साहब, ये भी शौक़ के लिए जा रहे हैं हम। यानी कि ये पूरी कैबिनेट हमारी जा रही है शौक़ के लिए और इंशाल्लाह जैसी उम्मीद है उससे बढ़कर ही शौक़ होगा, क्योंकि उनका शौक़ मैंने काफ़ी बार नेट के ऊपर तो देखा हुआ है और पिक्चर वगैरह भी शेयर होती रहती हैं। आज फर्स्ट टाइम जो है ना लाइव देखने के लिए जा रहा हूँ कि किस टाइप का शौक़ है उनका। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद फिर जो है ना मिलते हैं, ऑनलाइन होते हैं। चलो जी दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं इधर दरिया चनाब के ऊपर, तो अभी मैं थोड़ा जो है ना गाड़ी स्लो कर लूँगा ताकि आपको दरिया चनाब भी दिखाएं और उसके अंदर जो इस टाइम पानी वगैरह मौजूद है वो भी आपको व्यू करवा सकूं। एक मिनट दिखा दें, क्योंकि आगे गाड़ी का रश काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ी वो बंदे को फिर उधर भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि जो है ना कुछ बुरा ना हो जाए। आपको पता है कि ड्राइविंग के लिए थोड़ी एहतियात लाजमी होती है। ये आप बाहर का नज़ारा देखें, बाहर के व्यू आप देखें, इंजॉय करें ज़रा। जी ये इधर सारे फिश फार्म हैं
जो दोस्त जो है ना दरिया की मच्छी के लिए आते हैं कि हमें जो है ना दरिया की मछली खानी है, ये नहीं फार्म से मछली जाती है और दरिया के तौर पर इस्तेमाल होती है दरिया की मछली के तौर पर। और इस टाइप पे आपको बाग नज़र आ रहे होंगे, ये आम के बागात हैं। ये आप देखें, ये आप इस साइड पर भी देखें, ये सारे बागात वगैरह ही हैं। ये अब हम जो है ना मेन जो है रिवर की जो पुल है उसके ऊपर पहुंच गए हैं। ये हमारा जो दरिया चनाब है, ये हम उसके ऊपर हैं। ये आप देख सकते हैं पुल वगैरह है इधर। मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं तरह से व्यू हो सके तो आपको जो है ना वो दरिया का जो है ना पानी वगैरह भी नहीं दिखा सकूँ मैं। दिखाना तो जी दोस्तों, ये मैं इस टाइम खड़ा हूँ दरिया चनाब के ऊपर। असल में मैंने हैंड फ्री लगाया हुआ है, ज़रा शोर काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से ताकि आपको ज़रा आवाज़ क्लियर है। ये आप देखें पीछे दरिया है, नीचे मैं पुल के ऊपर खड़ा हूँ। ये आप देखें सारा खुश्क हुआ पड़ा है इस टाइम, ये देखें आप। वैसे भी इसके ऊपर कोई ख़ास यानी कि पानी का प्रेशर नहीं होता यहाँ पर इस दरिया के अंदर। और जो टीपी लैंक मैंने आपको दिखाई थी इसी का ही पानी यानी कि सारा साल तकरीबन कोई मेरे ख्याल 15। जी तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जा रहे हैं, ये हमारे जो सेलिब्रिटी हमारे साथ बैठी हुई शो के हवाले से, ये मियां फजल हुसैन गदेली साहब है, आज इनके पास ही आ रहे थे। तो मैंने सोचा है कि आप दोस्तों को इनका जो शौक वगैरह है, जो सारे परिंदे तो खैर नहीं दिखा रहे, काफ़ी सारे परिंदे माशाल्लाह से रखे हो और इंतहाई आला क्वालिटी के। एक होता है ना कि इंसान शौक के लिए खिदमत का जज्बा होता है कि शौक को बेहतर बनाए, अच्छा बनाए, इनके पास माशाल्लाह से ये जज्बा मौजूद है। क्योंकि इन्होंने फाइट के हवाले से कभी यानी कि ध्यान ही नहीं किया, सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि अच्छा सील रखा जाए और उसको प्रिजर्व किया जाए, आगे बढ़ाया जाए और उसकी जो करेक्टरिस्टिक है उनको देखा जाए, मद्देनजर रख कर जो है ना उस ब्रीड को आगे बढ़ाया जाए। तो इंशाल्लाह जो इनके ज़्यादा काफ़ी सारे परिंदे हैं वो देखना दिखाना भी यानी कि पॉसिबल नहीं था। एक दो मादी हैं और एक नर है, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप दोस्तों ने वो देखना है तो अपना जो है ना अपने कमेंट्स के अंदर आपने अपने ख्याल का इजहार करना है कि किस तरह के शौक रखें। मुझे तो ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है और जिस तरह के परिंदे एक होते हैं कि पिक्चर वगैरह के ऊपर देखना या फिर जो है ना वीडियोज वगैरह देखना, और एक होता है लाइव देखना। क्योंकि आप दोस्तों की तरफ से मैं खुद ही यानी कि कोशिश करता हूँ कि लाइव जाकर देखूँ और आप दोस्तों को बताऊँ कि किस तरह टाइप की ये क्वालिटीज़ हैं। और माशाल्लाह से इनकी अपनी शख्सियत भी है, बिल्कुल अमरोहे जैसी है, यानी कि इतनी नफीस इंसान है और शफीक इंसान है। अल्लाह पाक इनको तरक्की दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।